वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब हमारी मेहमान, हमें दोनों ज्वाइन कर चुके हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेहमान है, हम ऑफिस भी इतनी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे और आज का टॉपिक भी है। और पहले मैं क्लियर कर दूं कि आज हम न्यूट्रल होकर बात करने वाले हैं। हम बेशक तीन खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन आज हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से तो बात करेंगे लेकिन साथ में मर्दों को लेकर भी चलेंगे और औरतों को भी, इस तरह से कि आदमी भी कहीं जगह पे, बहुत सारी जगहों पे निगलेक्ट किए जाते हैं, उनके भी इश्यूज हैं और इसी तरह खवातीन के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो दोनों को हम साथ में लेकर एड्रेस करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ इस चीज में ऐड करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। ये 10 से 10:30 का जो स्लॉट है इसमें हम यही डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप कॉल करके भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं, हमारे साथ मौजूद होंगी जनाब आमिना मलिक हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं, और राबी लियाज होंगी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर हैं। दोनों को वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आमिना आपकी जानिब आएंगे, हम जरा बात करें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, टर्म जरा डिफाइन कर लें उसके बाद। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की को मैं इस तरह डिफाइन करूंगी कि जिस दिन से औरत और मर्द का ज़हूर हो गया ना, ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद एक रेस और एक दौड़, औरत को एक अलहदा से एक चीज जो है वो तस्वर किए जाने लगा, मर्द को एक ताकतवर और औरत को एक कमजोर जो है वो जिन्स, वो एक हमने शुरू से एक चीज शुरू से जिन्स जो है। लेकिन आपको पता है कि औरत जितनी ताकतवर है वो तो सबको मालूम ही है, वो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। बल्कि मैं तो ये बात भी कभी कभी कहती हूँ, मैंने कहा किसी औरत के अगर औलाद नहीं है तो खुदारा उसको कभी मत कहिए कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम माँ नहीं। औरत तो पैदाइशी माँ है, पहले वो खिलाती है अपनी गोद में अपने बहन भाइयों को, फिर वो अपने माँ बाप की खिदमत करती है, फिर शौहर के घर में जाती है, फिर उसकी खिदमत करती है, फिर उसके बच्चों की। तो औरत की ताकत का तो कोई मुवाजना ही नहीं है। तो ये जो मर्द और औरत की एक रेस है, ये जब से दुनिया बनी है तब से मर्द और औरत की डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सी बहसें, बहुत सी किताबें, बहुत से अफसाने। अच्छा, आमना भी इस चीज से एग्री करती हैं कि आदमियों में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब खवातीन मर्द का, जहाँ पर हमेशा हम खवातीन को कहते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बरता जाता है, मर्द भी इसका शिकार, मर्द भी शिकार है लेकिन बहुत कम, बहुत कम मैंने देखा है, बहुत कम। ये तो इतने रेयर केसेस हैं, ये आपको फिल्मों में मिल जाएंगे, हाँ, या किसी नॉवेल में मिल जाएंगे। और उसके बाद कोई मजलूम होगा, कोई सीधा सा जो माँ ने बड़े लाडों से पाला होगा तो जो बीवी की सह लेता होगा, हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। छोटे से छोटा भी आप देख लीजिए कि तबके तबकों की बदकिस्मती से हमारा माशरा तबकों की तकसीम में, चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को आप किस तरह डिफाइन करेंगे। इस तरह डिफाइन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 25 जो ए है वो औरत और मर्द को यकसा हकूक देता है। ठीक, अब ये बहुत खूबसूरत लाइन है जो दोबारा बोलूंगी, यकसा हकूक। यकसा हकूक से मुराद ये है उनको बराबरी की सतह पे हकूक देना या दोनों को एक दूसरे के मवाजने पे बराबर लाके खड़े कर देना में बहुत डिफरेंस होता है। मर्द और औरत का, बड़ी सफाई से मैं आपको बताऊं और बड़ा सच एक मैं बोलूंगी, मर्द और औरत की कोई रेस नहीं है, वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। कहीं वो सुपीरियर है, कहीं वो सुपीरियर है, दोनों की क्वालिटीज को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ना वो उसको नीचा दिखाए ना वो उसको नीचा दिखाए। और औरत की इससे ज्यादा जो है वो तरक्की की मैं और क्या मिसाल दे सकती हूँ कि मैं आपके सामने बैठी। लवली 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 राबेल, अभी हम आपने ये पॉइंट आज भी कराया था और वैसे भी खुद भी मेरे माइंड में था कि हम जिस तरह से आमने से बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ खवातीन को हमेशा फोकस में रखते हैं, आपको लगता है कि मर्द भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं? पहले तो मैं आमना की बात को एग्री करूंगी कि इससे बड़ी और क्या खूबसूरती की बात है कि हम तीन खवातीन यहाँ मौजूद हैं और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, और ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि आज हम इस पर्सपेक्टिव से बात करें कि कहाँ बेचारे मर्द भी डिस्क्रिमिनेटेड हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं कॉलेज से लेना चाहूंगी कि वहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम होता है जी, बॉयज कॉमन रूम नहीं होता। मेरे हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मसला ये स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं, यूसीपी में स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं कि जी बॉयज कॉमन रूम क्यों नहीं होता, तो वो बाहर बैठे होते हैं और खुली फिजा में सांस लेते हैं और गप्पे भी नहीं लगानी होती जिस टाइप की खवातीन ने या बच्चियों ने गप्पे लगाए, तो आंसू भाई नहीं औरत ने कि वो मजलूम हो गई और उसकी तरफ तवज्जो हो गई। तो वाकई मर्द भी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो एक ब्रेड विनिंग पर्सन होता है फैमिली का, उसके कंधों पे सारा बोझ होता है। तो मैंने ये भी देखा है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर वो एक पीक पॉइंट होता है स्ट्रेस का कि अब हमने अर्न करना है, इसके बाद अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। सो वो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है,
तो उनके भी आवाज सुनने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, जरूरत है। ओवरऑल रबेल आपने फील किया कि हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारी चीजें, अब जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बातें भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम उसी सोच में रहते हैं और अपने उस डब्बे से निकलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैं इस पे इसको एलैबोरेट करूंगी और थैंक यू भी करूंगी कि ये मौका दिया। जितनी भी औरतें देख रही हैं, फॉरगेट द थॉट कि आप मजलूम हैं, आप मजलूम नहीं हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट यू, इट्स योर थिंग टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। मतलब आप खुद ही नहीं अपना लेना चाह रहे हैं राइट और खुद ही अपने लिए नहीं खड़ा होना चाह रहे हैं, तो कोई आपके लिए नहीं आके खड़ा होगा। कोई आपको नहीं कहेगा जी तुम्हें ये नहीं मिल रहा मैं दिला दूं, आपको खुद करना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही एग्जैजरेटेड, एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है जिसको मिसयूज किया जा रहा है हमारी औरतों की मेंटालिटी को नेगेटिव करने के लिए खेला जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हम मजलूम, हमें ये एक फीलिंग दिला दी गई है मजलूम बन के, हमें सारी चीजें वो उस तरह से हो जाती हैं, कुछ फेवर में आ जाती है, कुछ अगेंस्ट चली जाती है। औरत का मजलूमियत का तो वो हाल है कि घर में सबसे छोटा बच्चा जो होता है ना, वो सारी मोहब्बत और जो सबसे बड़ा होता है ना वो बेचारा सीरियस मुंह से देख रहा होता है। आमिना जी मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, बड़े और जो दरमियान वाले होते हैं ना वो भी ठीक होते हैं, बदनाम क्या होते हैं छोटों को, बदनाम क्या होते हैं अम्मा बाबी हम तुम्हारी छोटे पर लाड करे, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बहुत लाडली होंगी इसका मुझे 100% बिलीव है। और मैं आपको बताऊं, चले आप जब किसी चीज का कोई मुआवजना करते हैं, कोई तजिया करते हैं, तो हमें जमाने को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, यहाँ से चले 100 साल पीछे चलते हैं। अब देखिए कि औरत को कबीलों में किस निगाह से देखा जाता था, औरत को कम अक्ल तसव्वुर किया जाता था, औरत को जो हुकूक हैं वो मेरे अल्लाह ने दिए अपने कुरान के थ्रू, औरत को हुकूक दिए इस्लाम ने, औरत को हकूक दिए गए कि तुम जमीन और जायदाद में भी वारिस हो, औरत को हक दिया गया कि तुम पढ़ भी सकती हो। इससे खूबसूरत मजहब ना दुनिया में आया ना इसके बाद आया। और मेरे आका ने फरमाया कि आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, अपने बेटों को भी पढ़ाएं, इनको तालीम दें और तालीम के जेवर से आरास्ता करें। कबीलों में कोई औरत अगर कोई बच्चे को पैदा करती थी तो उसको महीने दो महीने तक इजाजत नहीं होती थी कि वो आम बर्तनों में खाए और दूसरों लोगों के साथ बैठे। उसको उसके साथ मशवरा नहीं किया जाता था कबीले में, ये तो कम अकल है, ये इसको तो हमने रखा हुआ अपने लिए। अब उस दौर से आप दरमियान वाले दौर में आए, आहिस्ता 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 तरक्की की तरफ जाने, जिस तरह इंसान को शऊर आया कि लिबास पूरा होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए, उस तरह फिर उनको ये भी शऊर आया कि औरत कोई जिन्स नहीं है, औरत जिन्स बन के मंडियों में भी फरोख्त हुई है। ये इतनी तल्ख और काली हकीकतें हैं, कभी आप पढ़ें किताबें और तारीख हमें क्या बताती, कभी कभी मैं पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि तकलीफें तो उन्होंने उठाई जिन्होंने सफर किया और हमारे लिए हमें आज यहाँ बिठाया, हम खुद ब खुद तो आके नहीं बैठे, हमें तो उन्होंने हमारे लिए स्ट्रगल्स की, हमारे लिए जिस तरह हम जिस मुल्क में बैठे हैं उसके लिए जिन्होंने जाने दी बैठे, आज हम मजे ले रहे हैं इस मुल्क में आजादी, फिर बातें भी कर रहे होते हैं जी मुल्क का तो कोई हाल ही नहीं और फिर बातें भी कर रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता औरत ने वो तरक्की का सफर जो है वो शुरू किया, इस मुल्क की पाकिस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर एक औरत रह चुकी है, कितनी खूबसूरत बात है। और कितने मुल्कों में है कि प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद हमें हकूक दिए गए, इस्लाम सारे हकूक देता है। और आज अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो उसको थोड़ा लूज करके देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मेरी बहन यहाँ पे लेक्चर है, यहाँ पे बैठी हैं, ये तदरीस का काम करती हैं, ये पढ़ाती हैं, और दूसरी बात है आज हमारी कंट्री में पायलट्स भी हैं आज हमारी कंट्री में, और अगर हम अपना रोल मॉडल किसी को बनाना चाहें तो बीबी खदीजा जो है वो हमारी जो माँ है वो उस दौर में वो बिजनेस करती थी और उन्होंने अपने निकाह का पैगाम खुद भिजवाया, इससे बड़ी और खूबसूरत मिसाल मैं पेश नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही है जाबिर, यकीन अभी हमने बात जैसे आमिना भी कह रही है कि ये हम बैकग्राउंड का इजाजा लें तो ये सारी चीजें हमें इंडक्ट की गई कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ कल्चर बैरियर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इस चीज पे मजबूर भी करती हैं और कुछ हम इसका शिकार भी हो गए, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज इंडक्ट हुई हुई और हम उस पर बिल्कुल उससे बिल्कुल साइडलाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज हमारी जो जड़ों के अंदर आकर बैठ गई है, हम उसको क्या करें। कल्चरल बैरियर्स तो डेफिनेटली हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने बहुत ही मतलब आई वुड से इससे बेहतरीन मिसाल कोई हो नहीं सकती जो उन्होंने इस्लामिक एग्जाम्पल्स पेश की हैं। सो अगर उसी बैकग्राउंड को हम लेके आज भी जागें सुबह और याद करें कि हमारी एक्चुअली क्या जगह है, सो डिस्क्रिमिनेशन को आप खुद कर सकते हो ओवरकम। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही वेस्टर्न बॉट थॉट है। मैं फिर से यही कहूँगी कि आई कुड से दिस कुड बी माय ओन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी,
that make these women feel that they're discriminated taaki wo apni bichargi mein hi roti rahe. It's just a thought. Aur dusri baat hai ki hum apni tarakki ke liye khud humne apni raahein istawar ki hain, aapko kitabein de di jaye aur uske baad aapko kaha jaye ki aapko padhne ki ijazat nahi hai, aisa nahi hota. लेकिन हमें उस सोच को उखाड़ के फेंकना होगा जो हम बच्चियों के अंदर बागियाना सोच भर रहे हैं. आजादी में पिटी वाली थॉट, एक आजादी में इंडिपेंडेंट और बागी होने में फर्क होता है. और उसके बाद मिसाल के तौर पे कोई अगर मैं एक मिसाल दूंगी बोलो चले उसको जरा लाइट ले लीजिएगा. आप किसी को इख्तदार में लेके आते हैं ठीक है और वो कहते हैं जी हम इख्तदार में आके ये करेंगे वो करेंगे उसके बाद वो आपका सारा मुल्क खा के चले जाए या आपको वो चीजें प्रोवाइड ना करें तो ये बुलंदोबाग दावे जो हैं वो भी जो है वो ले डूबते हैं. बुलंदोबाग दावे मत कीजिए. दूसरी बात है अपनी बच्चियों को शऊर दें, पावरफुल बनाएं, उनको कंपटीशन के लिए तैयार करें. देखो वहां क्या हो रहा है, वो उसकी उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है, तुम इंजीनियर बनना, तुम ये बनना, तुम वो बनना. हम अपनी बच्चियां हमारी बच्चियों को मैंने जो मेरे पास आते हैं केसेस क्योंकि मैं एक इदारा भी चलाती हूँ ह्यूमन राइट्स के थ्रू जहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं कि जिनके अगर घर में प्रॉब्लम्स हों उनके डाइवोर्स के इतने डाइवोर्स के केसेस बहुत पड़ गई है. और पढ़ी लिखी हूँ मैं फिर मैं कहती हूँ अच्छा उन किताबों को क्या कहूँ मैं जिन्होंने तुम्हें ये पढ़ाया. अच्छा फिर मैंने भी आगे से कहती हूँ अच्छा फिर मैंने भी उसको जवाब दिया अच्छा तुम क्या चीज़ हो. मर्द चीज़ नहीं होता. अगर तुम माँ हो उसकी वजह से माँ हो, उसके बच्चों की माँ हो. अगर तुम ये सोचोगी कि तुम सुपीरियर हो, मुकाबले की फिजा मत बनाएं दो लोगों में. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में वो दौर नहीं रहा जब माँ हांडी बनाती थी तो कहती थी ये गोश्त जो मैंने पकाया है ये मेरा बेटा खाएगा और इसके अंदर मैं पानी डालूंगी तो ये जो शोरबे वाला है ये मेरी बेटी खा लेगी. ये दौर था. आज माँ कहती है कि मैंने दो बच्चे पैदा किए हैं, इनका बराबर का हक है. ये है बराबरी. बराबरी ये नहीं कि औरत मर्द के आगे तन के खड़ी हो. हाँ वो आपको अब्यूज़ करे, वो आप पे हाथ उठाए, आपका हक खाए तो आप उसको बोलिए कि इस तरह मत कीजिए. मैं इंसानियत के नाते आपसे बराबर हूँ. क्वालिटीज में कोई किसी के बराबर नहीं आता. नहीं तो मैं जितना रास्ता गुजर के आई हूँ उसमें गाड़ियां थी, खंबे थे, पोल थे, ये सब मेरे बराबर हैं क्या? मैं तो सबको पीछे छोड़ती आई हूँ. आप अपने अंदर अपनी बेटियों को वो सोच दें कि जो उनको तरक्की और इज्जत एहतराम की तरफ ले जाए. अपने बागी मत बनाए. और देखा बहुत सी लोग बागी हैं, बहुत सी लड़कियां बागी में तो उनकी सोच देखे अच्छा फला छोड़ा छोड़ दे क्या है, आदमी क्या है, बंदा रहे तो आजादी के साथ ना. और मैं फिर ये पॉइंट बहुत अच्छा किया है जाबिल क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में भी रहती हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करती होंगी, आपको भी आइडिया है कि हमारे यहाँ हम बेसिकली मुआशरा वही है, कल्चर वही है, लेकिन हम मॉडर्निज्म के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीजें अडेप्ट कर रहे हैं जो हमें एक्चुअली में हमारी रूट्स में नहीं. बिल्कुल, मैं इसी बात को ही पहले मैं यही अभी कह रही थी कि इट्स अ बॉड थॉट, इट्स अ वेस्टर्न बॉड थॉट कि जी औरत बेचारी मजलूम है. और अगर मैं आपको उन्हीं की हिस्ट्री का एक साइड दिखाऊं तो वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन वो टाइम था कि जब मर्द सारे जंग में थे और औरत को करना पड़ा. दैट्स व्हेन शी एक्चुअली केम आउट ऑफ द हाउस. उससे पहले तो उनकी औरत नजर ही नहीं नजर में ही नहीं थी ना. तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बहुत रोशन मिसालें हैं. सो वी वर नेवर डिस्क्रिमिनेटेड एंड इट्स डेफिनेटली यू नो इट्स अ नेगेटिव थॉट ओनली. तो अगर आप इसी नेगेटिव थॉट को लेके हर दिन चलेंगे जी मैं मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है और मैं बहुत डिस्क्रिमिनेटेड हूँ. बहुत से जगहों पे ऐसा भी होता है कि लड़के करना चाह रहे होते हैं नहीं कर पा रहे होते. हमारे मीडिया प्रोफेशन में बहुत से लड़के हैं, बहुत शौक से आते हैं लेकिन उनके अम्मा अब्बा के शौक थे कि जी वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो वो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बजाय मीडिया प्रोफेशनल बन जाते हैं और काफ़ी रिबेलियसली बनते हैं. कुक बन जाते हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं. पहले कहा जाता था मेरा बेटा किचन से लेके आएगा प्लेट और चम्मच, तुम किस लिए हो? आज सास कहती है अपना काम खुद करो, मेरी बेटी अभी ऑफिस से आई है, ये मैंने आंखों से देखा है. इससे ज्यादा अच्छी मिसाल क्या दूंगी आपको? ओवरऑल टाइम के साथ चीजें बदल रही है डेफिनेटली, लेकिन अब वही बात कि हम खुद तो बदले, हमारे सोच भी हमारी बदलनी चाहिए. अच्छा, लेकिन इस सब में एक और पर्सपेक्टिव अंडर प्रिविलेज लोगों का भी है, उसको ओवरलुक नहीं कर सकते हम. अंडर प्रिविलेज जो एरियाज हैं वहाँ पे अभी भी खवातीन यूजलेस डोमिनेशन का शिकार है. दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ यूजलेस डोमिनेशन. सो वहाँ पे एजुकेशन क्या, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं उनको दी जा रही है.
तो बहुत से मौकों पे देखा जाता है कि हेल्थ फैसिलिटीज आर डिस्क्रिमिनेटेड और उनको नहीं दिए जाती. सो यस, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, लेकिन जितना शोर है ना उतनी है नहीं. ठीक है ना, अभी हम आज के टॉपिक के हवाले से मैसेज ले राबेल से भी. राबेल, मैसेज जो देना चाहे हमारे टॉपिक के हवाले से. एक तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि गर्ल्स नीड टू गेट आउट ऑफ सेल्फ पिटी और ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि जी हम मजलूम हैं. बिल्कुल हम मजलूम नहीं हैं, हमारे पास तमाम सलाहियत मौजूद है और हर दिन हमारा अपना है. नो डाउट, और इसको बना सकते हैं. और दूसरा ये कि आप खुद जहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो खुद को भी ज़रा झांक के देख लें. तो स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. स्टॉप बीइंग सेल्फ पिटीड. Stop being negative. Exactly, मज़लूम बन के तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना. तो वो हम खुद ही सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं. कोई हमें कहता नहीं आओ मैं तुम्हें सेल्फ पिटी सिखाऊं. तो गेट आउट ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स और जहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखें, अलबत्ता यूजुअली हम अंडर प्रिविलेज लोगों में देखते हैं, तो वहाँ पे जरूर आपको एक कदम स्टैंड करना चाहिए. जरूर स्टैंड लें, बिकॉज जहाँ आपके पास खुद ताकत है और आप खुद किसी को पास ऑन करें तो ये होगी असल इंसानियत. जबरदस्त जबरदस्त. आमिरा, आपकी जानिब से. मैंने तो इतना कुछ बोल दिया है और दोबारा से बोलेंगे आप जो जो आपको लग रहा है, भी आपका रह गया बोलने वाला. मेरा इतना कुछ रह गया, इतना कुछ एक शो और करना होगा. डेफिनेटली हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, शो और करें. मैं सिर्फ ये बोलूंगी, मेरा मैसेज जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है. मेरा मैसेज लड़कों के लिए, फादर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए. अपनी बहनों से प्यार करें, अपनी बेटियों से प्यार करें. खुदा रहा वो बिल्कुल भी बोझ नहीं है. जब आपको सब छोड़ जाते हैं वही बेटियां आपसे प्यार करती हैं, वही हैं जो अपने भाई को मोहब्बत में अपना हिस्सा भी माफ़ कर देती हैं, वही बेटियां हैं जो अपने भाई के लिए मुसीबत में अपने जेवर भी बेचती हैं कि मेरे भाई ने बाहर जाना है. ये मेरी आंखों देखी बातें हैं. सोसाइटी में मैं जितना फिरती हूँ, जितना देखती हूँ, मैं बहनों की मोहब्बत देखती हूँ. बेटियों को पढ़ाएं, उनको ढेरों ढेर ट्रकों के ट्रक जहेज मत दें, कोई जरूरत नहीं है. उनको एजुकेशन दें, वो खुद बना लें. एग्जैक्टली, एजुकेशन पे फोकस रखें और प्लीज ये मत सोचें कि आप अपनी बेटी को अगर थोड़ी सी इजाजत देंगे तो वो पता नहीं क्या कर लेगी और क्या नहीं कर लेगी. अगर आप उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छा अपने आप के लिए खड़ा होना सिखाएंगे तो डेफिनेटली बहुत उसका साथ दें, उसको एजुकेट करें, वो दुनिया जीतेगी. साथ देंगे और उसको कॉन्फिडेंस देंगे, वो कभी मायूस नहीं करेगी. थैंक यू वेरी मच आमना, थैंक यू सो मच राबेल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. जब आज हमारा टॉपिक का पर्पस ये नहीं था कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें कि औरत मजलूम है या मर्द मजलूम है, हमारा पर्पस ये था कि इक्वालिटी की बात करते हैं, यकसां हकूक की बात करते हैं, तो दोनों को उतने ही हकूक हासिल हैं जितने मर्द को हैं और उतने ही औरत को हासिल हैं. तो डेफिनेटली अपने आप को, जिसे राबेल ने भी कहा, अमिना भी कहा, अपने आप को मजलूम जाहिर ना करें, अब बहादुरी के साथ सर्वाइव करें, क्योंकि यही आपकी जीत होगी और यही लोगों के लिए एक मैसेज होगा कि आप औरत नहीं, आप एक मजबूत किस्म का इंसान है जिसने सोसाइटी में सर्वाइव किया. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी डिस्कशन करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.